चुनाव से पहले ही साहिब को मिल गई करारी शिकस्त। 24 के चुनाव से पहले ही पार्टी में मच गई तगड़ी भगदड़। एक एक प्यादे ने साहिब को दिखा दी पीठ। साहिब के साथ हो गया बड़ा खेला। एक ही झटके में 4500 नेताओं ने दे मारा इस्तीफा। गली गली थप्पड़ और लात घूसों की होने लगी बारिश। लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में हो गई बड़ी बगावत। हार के डर से साहिब के छूटने लगे पसीने। क्या भाजपा छोड़ रहे नेताओं का ये संदेश है कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है और कोई भी इस डूबते हुए जहाज में सफर करना नहीं चाहता। 2024 से पहले ही भाजपा छोड़ रहे नेताओं की लंबी लिस्ट है। एक एक करके साहिब के नेताओं ने साहिब को पीठ दिखाना शुरू कर दिया है। ये बता दिया है कि अब बीजेपी में दाल नहीं गलने वाली। दरअसल खबर सामने आ रही है कि 24 के चुनाव से पहले ही साहिब और साहिब की पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी के 4500 नेताओं ने साहिब के साथ बड़ा खेला कर दिया है। साहिब को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव का ताना माना बुनने में लगे साहिब और साहिब के जोड़ीदार के पसीने छूटने लगे हैं। रात दिन साहिब की चरण चाटुकारिता करने वाली गोदी मीडिया इतनी बड़ी खबर से नदारद है। कोई भी गोदी एंकर और एंकरानी इस खबर पर बहस करने को तैयार नहीं है। कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि बीजेपी के घर में कैसे हाहाकार मचा हुआ है। कैसे साहिब की नैया बीच मझधार में गोते खा रही है। कांग्रेस के देश भर में बर्बाद होने की दास्तान 2014 से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 2013 से ही कांग्रेस के नेताओं ने झोला भर भर के भाजपा का दामन थामना शुरू कर दिया था। 2014 के आते आते हजारों नेताओं ने भाजपा के साथ मिलकर 2014 का लोकसभा चुनाव जीत लिया था। इस कहानी के पीछे का सार बस इतना सा है कि इतिहास दोहराता है। पर्दे के पीछे से जो खेल बड़े ही चालाकी के साथ 2014 से पहले बीजेपी ने खेला था, आज वही खेल भाजपा के साथ खेला जा रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा में बगावत और गुटबाजी चरम पर है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की वो हालत हो गई है कि कहीं भाजपाइयों को दौड़ाया जा रहा है तो कहीं सड़क पर सरेरा लात घूसों की बारिश की जा रही है। कहीं भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है तो कहीं चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, भाजपा में एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब चुनाव में खड़े किए गए साहिब के प्यादों का विरोध करने की हिम्मत कोई जुटा ही नहीं पाता था। लेकिन आज उन्हीं साहिब की हालत ये हो गई है कि जिन जिन प्रत्याशियों को वो खड़ा कर रहे हैं उन्हीं को भरे बाजार में पीटा जा रहा है। इसे ही कहते हैं कि जब पतन का समय नजदीक आता है तो यही होता है। जब सुप्रीम लीडर तानाशाह हो जाता है तो बगावत के सुर खुद के द्वार से ही गूंजने लग जाते हैं और यही इस वक्त भाजपा में जोरों शोरों पर हो रहा है। स्पेशलिस्ट दिकंटाब।